रिव्यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो एग्जाम में बहुत ही विभिन्न प्रकार से, बहुत ज्यादा तरीके से, अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 में दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, चाहे वो वक्र रेखा परवलय हो या वृत्त या परवलय हो। ठीक है, दो वक्रों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल या दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि परफेक्टली सभी क्वेश्चंस क्लियर आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए जो मैथमेटिक्स में काफी कमजोर हैं और जिन्हें मैथमेटिक्स से काफी डर लगता है, उन्हें बताइए कि वो हमारे चैनल पर विजिट करें और मैथमेटिक्स को एक आसान तरीके से कैसे हल किया जाता है ये सीखें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर जो सर्कल दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल होगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। इसकी कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3/2। ये जो 3/2 है ये इस सर्कल की रेडियस होगी। तो यहां पर इसका अब हम फिगर ड्रा करेंगे। देख लेते हैं कि जो परवलय आपका दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के रूप में, इसलिए इस परवलय का मुख ऊपर की ओर ऐसे खुलेगा। ठीक है, और जो सर्कल आपका है उसकी रेडियस है 3/2 यानी 1.5, तो जो सर्कल हम यहां पर बनाएंगे उसकी रेडियस 1.5 होगी और हमें ज्ञात करना है केवल इतने भाग का एरिया, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, इसके पॉइंट है 0, 0 और ये जो सर्कल हमारा बन रहा है इसके पॉइंट है 0.3/2। ठीक है, अच्छा इसका हम नाम दे देते हैं ए ओ बी इस प्रकार से। अब यहां पे क्या करेंगे, सर्कल को नोट करेंगे 4x स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू 4y को पुट करेंगे। यहां पे ये होगा 4 × 4y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करेंगे 4y स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 9, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 18 और 2, क्या लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां पर दो दो पदों में हम कॉमन लेंगे तो यहां पर 2y कॉमन होगा, तो इसमें बचेगा 2y प्लस 9 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, 2y प्लस 9 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर y की वैल्यू होगी माइनस 9/2 और y की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, y की वैल्यू माइनस 9/2 और y की वैल्यू 1/2 होगी। 1/2 हम इस परवलय में रख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y में यहां पर लिखेंगे जब y इक्वल टू 1/2, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 × 1/2 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी। यहां पर अब हमें अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है परवलय और वृत्त के बीच का, तो ये क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर अभीष्ट क्षेत्रफल का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा, देखिए यहां पे दो वक्र आपके दिए गए हैं, एक है आपका परवलय और दूसरा है आपका सर्कल। अभीष्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 × ये लिमिट्स होंगी 1/2 0। देखिए लिमिट्स कैसे जान पाएंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 1/2, चूंकि ये सर्कल जो आपका है इसका पॉइंट्स और इस परवलय का पॉइंट्स केंद्र पर है, इसलिए इसका पॉइंट्स 0 ले लिया गया है, यहाँ पे 1/2 0 लिमिट्स होगी परवलय के लिए।
और सर्कल के लिए लिमिट्स होगी, उसकी रेडियस हम निकाल चुके हैं। आपने देखा है पिछले वीडियो में और समाकलन के अनुप्रयोग के लेसन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों में जो वृत्त पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उनका एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस को लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस 3/2 है, इसलिए इसकी उच्चिष्ट लिमिट 3/2 होगी और निम्निष्ट लिमिट होगी 1/2 यहाँ पर, ठीक है। ये निम्निष्ट लिमिट इसकी होगी 1/2, उच्चिष्ट लिमिट होगी 3/2। तो क्या करते हैं देख लेते हैं, यहाँ पर ये बनेगा आपका 2 × 1/2 एक्स डीवाई परवलय की और फिर एक्स डीवाई वृत्त का, दोनों का समाकलन करके ऐड कर देते हैं आपस में, यही आपका अभी क्षेत्रफल होगा। ट्राई करेंगे, ये लिखेंगे 2 × 1/2 0 एक्स डीवाई परवलय के लिए, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू होगी √4y, यानी 2√y इसकी वैल्यू होगी × dy प्लस इंटीग्रेशन 3/2 1/2 एक्स डीवाई, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे सर्कल में तो इसकी वैल्यू आएगी 4x² = 9 − 4y² x² = 9/4 − y² x = √9/4 − y². यहां पर होगा √9/4 − y² × dy, ये होगा 2 × इसका समाकलन होगा y³/3/2 / 3/2, इसकी लिमिट होगी 1/2 0 प्लस इसका क्या होगा, इसका समाकलन होगा √, इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 3/2 1/2 √, इसे लिखेंगे 3/2² − y² ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा √a² − x² का फॉर्मूला, ठीक है। ये बनेगा 2 × ये होगा 4/3 × y³/3/2 की लिमिट होगी 2 0 प्लस इसका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन होगा x/2, x की वैल्यू है y/2 √x² − y² प्लस a² / 2, a² की वैल्यू है 9/4, तो ये हो जाएगा 9/8 × sin inverse x, x की वैल्यू है y/a, a की वैल्यू है 3/2, तो 2 पर हो जाएगा 2y/3 हो जाएगा, इसकी लिमिट होगी 3/2 और 1/2 होगी। लिमिट्स लगा देते हैं, देखिए ये बनेगा 8/3, इस 2 से गुणा कर देंगे, इस फलन में भी होगी और इस फलन में भी होगी, ये होगा 8/3, यहां पर लिमिट्स लगा देंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2³/3/2, ऐसे −0 फलन पूरा शून्य होगा, प्लस इस 2 की गुणा यहां पर भी करेंगे और यहां पर भी करेंगे, तो यहां पर होगा आपका केवल y इंटू √9/4 − y² प्लस ये होगा 9/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 4 जाएगा और आगे बचेगा sin inverse 2y/3 और इसकी लिमिट अभी लगाना बाकी है जो कि है 3/2 और 1/2, तो ये लिमिट्स होगी 3/2 यहाँ पे दिया गया 1/2 / 3/2 को लिखेंगे 1/√2 ये लिखते हैं, ठीक है। प्लस इसकी लिमिट खोलेंगे, देखिए रख देते हैं, ये बनेगा 3/2 √9/4 − 9/4, वाई की वैल्यू 3/2 का² 9/4 होगा प्लस 9/4 sin inverse 2/3 की वाई की वैल्यू 3/2 रखेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। लिमिट्स हो जाएगी माइनस करके नीचे वाली लिमिट इसमें रखेंगे तो ये होगा 1/2 √9/4 − 1/4 प्लस 9/4 sin inverse 1/3 ये हो जाएगा, इसे लिखेंगे 4/3√2 होगा प्लस ये तो पूरा फलन 0 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 9/4 sin inverse 1 माइनस यहां पर होगा 1/2 × ये हो जाएगा केवल 2, कैसे 9/4 में 1/4 कम हुआ 8/4 बचेगा, 8/4 को 4 से डिवाइड करेंगे √2 बचेगा √2 और माइनस के 9/4 sin inverse 1/3 ये बचेगा, इसे लिखेंगे हम 4 को 2√2 × √2/3√2 माइनस इसे ले लीजिए √2/2 प्लस इसमें 9/4 कॉमन ले लेंगे sin inverse 1 − sin inverse 1/3 ये हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 2√2/3 − √2/2 प्लस 9/4 इसको हल करेंगे तो ये आएगा sin inverse 2√2/3 कैसे आएगा, ये फॉर्मूला लगेगा sin inverse x − sin inverse y
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले से ही अप्लाई हुआ, ठीक है, ये आएगा। इसमें सिक्स एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा फोर रूट टू और ये हो जाएगा थ्री रूट टू प्लस नाइन बाई फोर इंटू साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री। तो ये देखिए फोर रूट टू में थ्री रूट टू कैंसिल होगा तो ये बचेगा टू बाई सिक्स अंडर रूट टू बाई सिक्स प्लस नाइन बाई फोर इंटू साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री, ये इसका क्लियर आंसर होगा। सेकंड वाला ट्राई करेंगे, वक्र एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर जो दोनों वक्र हैं ये एक सर्कल है, इसलिए इसकी हम पहले कंपेयरिंग करेंगे, इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो एक होगी, इसके जो सेंटर होंगे केंद्र होंगे वो होंगे वन कामा जीरो, ठीक है। इसकी तुलना करेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो एक होगी और इसके जो सेंटर होंगे वो होंगे जीरो कामा जीरो। यहां पर देख रहे हैं कि दोनों सर्कलों की रेडियस सेम है, इसलिए दोनों सर्कल का जो आकार होगा स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सर्कल देखेंगे, त्रिज्या एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद यहां पर डिस्टेंस लेकर फिर से एक सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करेंगे ऐसे इस त्रिज्या से, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है यही होगा इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल को हमें निकालना है। तो देख लेते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले इस वक्र को हल करेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। इस समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन दिया गया है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, ये होगा वन प्लस वन माइनस टू एक्स इक्वल टू वन, कैंसिल होगा टू एक्स इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू होगी वन। इस x की वैल्यू को हम उस वक्र में रखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, वन बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वन बाई फोर, वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई फोर, वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो यहां पर जो सर्कल के पॉइंट होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, क्या होंगे सर्कल के पॉइंट, वन बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू इसके पॉइंट होंगे, इसके वन बाई टू और प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू, ये इसके पॉइंट्स होंगे इस सर्कल के। इसका नाम होगा, देखिए इसका ओ केंद्र हुआ, ये ओ डैश केंद्र हुआ, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। इस एरिया निकालना हमें, ओ बी ओ डैश ए का एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, टू इंटू इंटीग्रेशन, बस यहीं पे ध्यान देना है। यहां पर देख लेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा टू इंटू इंटीग्रेशन, लिमिट्स होंगी वन बाई टू जीरो अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इस वक्र का एरिया है। तो देखिए इसकी लिमिट्स क्या होगी, देखिए इसकी लिमिट्स की वैल्यू निकाली है हमने वन जीरो, और इसके जो पॉइंट्स है हमने आपको बताया, इसका जो सेंटर है वो जीरो कामा जीरो है, ये जो पॉइंट्स है वो है वन कामा जीरो, ठीक है, जीरो कामा वन और इधर भी जीरो कामा वन। तो इसकी जो लिमिट्स होंगी वन बाई टू जीरो होंगी, और इधर इसकी जो लिमिट्स होगी वन और वन बाई टू होगी, इसकी इधर रेडियस वन ले ली गई है, और ये वन बाई टू जो इस कॉमन वैल्यू है ये इसमें पुट करने के बाद रखने के बाद आ जाएगी और इसमें भी रखने के बाद आ जाएगी, इसलिए ये जो वन बाई टू है ये कॉमन वैल्यू है, इसलिए इसके दोनों में लिमिट लिया गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको क्लियर करेंगे, टू इंटू इसका फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है इसका, इसके लिमिट्स होगी वन बाई टू जीरो प्लस, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये लगेगा, इसकी लिमिट्स होगी वन और वन बाई टू, टू की मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे फलन में। देखिए टू कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा आपका एक्स माइनस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन, ये लिमिट्स होगी वन बाई टू जीरो। इधर टू कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये जो टू है ये इसके भी साथ में है, इसके भी साथ में, तो ये टू कॉमन ले लेंगे वन बाई टू दोनों से, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स की लिमिट्स है वन और वन बाई टू, लिमिट्स को पुट करेंगे यहां पर, लिमिट रखेंगे वन बाई टू, ये बनेगा वन बाई टू माइनस वन
अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1 बाय 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया उच्च लिमिट। माइनस निम्निष्ट लिमिट जब इसमें रखेंगे जीरो, तो देखिए जीरो यहाँ पे जब फलन में रखेंगे तो ये फलन हमारा माइनस वन होगा, और यहाँ पर जब हम जीरो रखेंगे माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के वन होगा, कैंसिल होगा, पूरा फलन का मान शून्य होगा। यहाँ पे पूरे फलन का मान शून्य होगा, माइनस यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस वन। ठीक है, ये पूरे फलन की वैल्यू हो गई, पहले फलन की। दूसरे फलन की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, देख लेते हैं। वन रखेंगे, ये होगा वन अंडर रूट वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वन, ये ऐसे हो जाएगा। माइनस करके वन बाय टू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये होगा वन बाय टू अंडर रूट वन माइनस वन बाय फोर होगा, ये वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर, और ये माइनस ही लगा रहेगा क्योंकि माइनस बाहर होता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाय टू। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसे पुट करेंगे, देखिए यहां पर बचेगा माइनस वन बाय टू अंडर रूट, ये बचेगा वन माइनस वन बाय फोर, यहां पे वन बाय फोर बचेगा, माइनस वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर, प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू माइनस साइन इनवर्स माइनस वन, ये बचा है पूरा। प्लस इधर देखिए क्या बचेगा, ये तो पूरा फलन जीरो होगा, ये बचेगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, ऐसे होगा, ये कैंसिल होगा। यहां पर बचेगा वन बाई टू इंटू अंडर रूट थ्री बाई टू माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स, ये बचेगा इधर। चलिए इधर लगा देते, बचेगा वन बाई टू अंडर रूट थ्री बाई टू, ये बचेगा थ्री बाई टू, प्लस ये होगा साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स, ये बचेगा, इसमें साइन खत्म होगा, माइनस ये बचेगा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू, इधर ये साइन खत्म होगा, प्लस पाई बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स, ये बचेगा, ये होगा माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स, माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू, ये होगा प्लस पाई बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स, ये बन जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे सभी को, देख लेते हैं, पाई बाई सिक्स पाई बाई सिक्स पाई बाई टू पाई बाई टू, इनको सभी को ऐड करेंगे, माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर जुड़ करके माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू होगा। ठीक है, प्लस पाई बाई टू जुड़ के पाई होगा, पाई बाई सिक्स जुड़ करके पाई बाई थ्री होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई में पाई बाई थ्री को जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा टू पाई बाई थ्री माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू, ये इसका अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। थर्ड को कैसे ट्राई करेंगे, वक्रों वक्र दिए गए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और वाई इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर तीन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहां पर किसी भी फिगर को ड्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि लिमिट्स आपकी पहले से ही दी गई हैं और ये दो वक्र अलग अलग हैं, इनका हम अलग अलग एरिया निकाल करके दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इस वक्र का एरिया निकालेंगे, तो इस वक्र का एरिया निकालेंगे सबसे पहले, वक्र का क्षेत्रफल होगा इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट होगी थ्री जीरो, लिमिट्स दी गई थ्री जीरो, चूंकि एक्स के लिमिट्स दी गए इसलिए यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे होगा एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस टू एक्स, इसकी लिमिट्स होगी थ्री जीरो, लिमिट्स को पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा सत्ताईस बटे तीन प्लस छह माइनस जीरो, ये हो जाएगा नौ प्लस छह, यानी कि पहले वक्र का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पंद्रह वर्ग इकाई। इसी प्रकार दूसरे वक्र का हम क्षेत्रफल लगा निकाल देंगे, वक्र का क्षेत्रफल होगा इंटीग्रेशन, इसकी भी लिमिट होगी थ्री जीरो वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन थ्री जीरो वाई की वैल्यू है एक्स डी एक्स, तो यहां पर इसका समाकलन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसकी लिमिट होगी थ्री जीरो, मान लगा देंगे तो इसका बनेगा नाइन बाई टू, यानी इस वक्र का क्षेत्रफल नाइन बाई टू होगा। अब इन दोनों वक्रों के बीच का घिरा क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों क्षेत्रफलों को आपस में घटा देंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 15 माइनस 9 बाई टू, ये आपका हो जाएगा 30 माइनस 9 बाई टू, यानी 21 बाई टू वर्ग इकाई इसका अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगे आज के क्वेश्चंस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये लेसन बहुत जल्द खत्म होने वाला है इसलिए आप कमेंट करके नेक्स्ट लेसन की जो तैयारी आपको चाहिए, जो लेसन आप पढ़ना पसंद करते हैं, जो लेसन आपको टफ लगता है, उसके बारे में कमेंट में हमें बताइए। जितनी ज्यादा कमेंट्स जिस लेसन की होंगी, नया लेसन हम वही शुरू करेंगे आपको।
तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारा लेसन लगभग खत्म होने वाला है, इसलिए नेक्स्ट लेसन कौन सा स्टार्ट किया जाए ये कमेंट में आप हमें भेजेंगे। तो जिस लेसन की सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगी, नया लेसन, अगला लेसन वही आपका आएगा। ठीक है, थैंक यू।